हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्टी जॉन फॉर स्मार्ट आंसर्स। सो गाइस, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आरआरबी जेई रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आरआरबी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लास्ट 10 डे स्ट्रैटेजी फॉर रीजनिंग। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था किस टाइप से यहाँ पर ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड किया था, किस टाइप से यहाँ पर हैंडल करना है लास्ट 10 डेज को। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पर्टिकुलर रीजनिंग पर वीडियो, जहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और यहाँ पर स्ट्रैटेजी कैसे लास्ट 10 डे इसको स्टडी करना है, ताकि आप अच्छे खासे मार्क्स यहाँ से गेन कर जाओ। ठीक है गाइस, आपको यहाँ पर लाना है 25 out of 25, तो आपको ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं 25 out of 25। अगर आप चाहते हो इस सब्जेक्ट में, तो आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ने और अच्छे से स्टडी करोगे, तो आप डेफिनेटली यहाँ से 25 to 20 मार्क्स गेन कर जाओगे। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स वाइज, बताता हूँ कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, कितना इंपॉर्टेंट है, और कैसे यहाँ पर पढ़ना है लास्ट 10 डेज में। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक आप देख सकते हो नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आप वहां पर क्वेश्चन इससे आते हैं और डेफिनेटली आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इस टॉपिक को जाना है और 5+ क्वेश्चन यहाँ से करना है। ठीक है, 5+ क्वेश्चन आप यहाँ से करोगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके गाइस, तो 5+ क्वेश्चन आप करो, आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर चलते हैं सिलोजम। जैसा कि आपको पता है सिलोजम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 100% कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे इस बार भी। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको आकर 10 क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट करने हैं, वो भी बहुत ही डिफरेंट टाइप के। ऐसा नहीं कि हाँ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और इसी टाइप के मैंने 3-4 अटेम्प्ट कर लिया तो मेरी सिलेक्शन आ गया, ऐसा नहीं होता। आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और हर अलग अलग पार्ट में डिफरेंस इसका यहाँ पर सिलेक्शन में कंडीशन होता है, उस सारे पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बहुत सारे यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और वहाँ पर सिलेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और बहुत सारे प्रैक्टिस भी सेट भी लाते हैं चैनल सर, तो वहां पर भी जाकर आप वहां से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो और बहुत ही डिफरेंट टाइप्स सारे चैनल के मिलाकर डिफरेंट टाइप का 10 क्वेश्चन बना और वहां पर इसको अटेंड करना है। ठीक है गाइस, तो इसको एग्जाम में कैसे हैंडल करना है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर आपको कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया जाता है, ठीक है, जैसे इसमें दे दिया ऑल राम इज श्याम, ओके, नाम दे दिया या कुछ भी दे दिया, ऑल बाइक मान लो बाइक बोल दिया, ओके, ऑल बाइक इज कार बोल दिया अगर मान लो, तो आपको कैसे हैंडल, हाँ, तो यहाँ पर क्या करना है कि मान लो कि ऐसे दे दिया आपको बाइक नहीं, आपको मान लो ऐसे दे दिया ऑल कार इज बाइक, अगर ऐसे दे दिया, ठीक है, ऑल कार इज बाइक, तो आप क्या करोगे गाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, मान लो कि आप डायग्राम बना रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, आप यहाँ पर बाइक नहीं लिखोगे, आप सिर्फ 20 से इसको डिनोट कर दो, बिकॉज अगर आप 20 से डिनोट करो तो आपका टाइम जो कम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और आप कार को सी से डिनोट कर सकते हो, आपको वहां पर टाइम बचा, थोड़ा टाइम बच जाए, अगर उस टाइम को आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगा सकते हो, अगर आप एग्जाम में दे रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलना चाहिए क्वेश्चन को अप्लाई करने में, कॉन्सेप्ट अगर ज्यादा टाइम आप वहां पर दे रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया, उसका जो टाइम मेरा बचेगा उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ ध्यान दूंगा, एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दूंगा, तो वहां पर मैं ज्यादा बेटर यहाँ पर रिजल्ट निकल के आएगा और ज्यादा अच्छे मार्क्स मैं वहां पर गेन कर पाऊंगा और ज्यादा एक्यूरेसी मेरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एक्यूरेसी जो होता है वो आपका बहुत अच्छा है, एक्यूरेट यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बहुत सारे किसी का एक्यूरेट नहीं आ पाता है और कुछ इरर आ जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें आपका जो एक्यूरेसी है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंस उसका बढ़ जाता है वहां पर, क्योंकि आपको वहां पर एग्जाम में एक्यूरेट आंसर ला रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर दूसरी की तरफ। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और आएंगे इस बार भी, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको 5+ क्वेश्चन सबसे करने हैं, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन करें, सारे टॉपिक्स करने हैं डिफरेंट टाइप्स, जैसे नहीं अल्फाबेट सीरीज हो गया, इसी तरह क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी डबल स्टार नहीं लगाओ, ठीक है, डबल स्टार लगा लो। ओके गाइस, उसके बाद कोडिंग रिकॉर्डिंग आता है, यहाँ पर आप 5 स्टार लगा सकते हो, नो डाउट कि ये आएगा, ये नहीं, यहाँ पर डाउट कोई है ही नहीं कि ये नहीं आएगा, ये आएगा ही आएगा 100%, 5 स्टार आप लगा लो। कोडिंग रिकॉर्डिंग हमेशा पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, और इस बार भी आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम चांसेस है कि कोडिंग रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं क्लॉकिंग,
तो क्लॉक से भी क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर भी आप इजीली यहाँ से आप 2 स्टार या 3 स्टार लगा सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं, इससे भी यहाँ पर क्वेश्चन आते। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी जस्ट लाइक कोडिंग डिकोडिंग की तरह है, ठीक है गाइस। कोडिंग डिकोडिंग जितने चांसेस आने का उतना ही चांसेस इसका आने का है, उतना ही चांसेस सिलोजन का आने का है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमेशा रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने इस सारे टॉपिक को यहाँ पर मेंशन किया। और आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि किस टाइप से इसको हैंडल करना है लास्ट 10 डेज में, फिर एग्जाम में किस टाइप से इन सारे क्वेश्चन को वहां पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं और क्या आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन आते हैं और आएंगे तो यहाँ पर चांसेस है कि आ जाए, तो यहाँ पर भी आप इजिली 3 स्टार लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आएंगे और यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी आएंगे और डायरेक्शन एंड टेस्टिंग आपको पता है। ब्लड रिलेशनशिप एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां पर आप 5 स्टार लगा सकते हो, जस्ट लाइक कि मैंने यहां पर लगाया, तो मैं यहां पर 5 स्टार लगा देता हूं, ठीक है। 5 स्टार अगर आप यहां पर लगा रहे हो या 4 स्टार ही लगा दो आप यहां पर, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट जितना कोडिंग डिकोडिंग इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ब्लड रिलेशनशिप हमेशा ही आते रहता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर आने के चांसेस इसके बढ़ गए हैं। तो 100% तो नहीं, तो आप 95% मान के चलो कि ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 5% डाउट है, बट यहाँ पर कंफर्म ही चलो कि यहाँ पर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशनशिप से, ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो यहाँ पर भी आएंगे। अब यहाँ पर आता है पजल एंड जमलिंग, तो पजल एंड जमलिंग से भी क्वेश्चन आते हैं और आएंगे इस बार, तो इस पर भी आप 3 स्टार लगा सकते हो इजिली, ठीक है। ये सारे टॉपिक जो मैंने मेंशन किया है, ये मैं श्योरिटी से बता सकता हूँ गाइस कि यहाँ पर क्वेश्चन इन सब मतलब सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ मैंने टॉपिक सारे देखकर मेंशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने इसलिए इस सब टॉपिक को यहाँ पर मेंशन किया है बिकॉज इससे क्वेश्चन आने 100% तय है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे इससे, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर चलते हैं डाटा सफिशियंसी की तरफ, डाटा सफिशियंसी भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप इसको भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर दो कोडिंग डिकोडिंग वाले में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आने ऑलमोस्ट कंफर्म है, ठीक है। इतना टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया जहां पर 100% क्वेश्चन आते हैं और कैसे हैंडल करना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको 5+ क्वेश्चन करना है सारे टॉपिक से, और आपका यहाँ पर जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मिक्सअप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन का मिक्सअप हो, वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो ऊपर जाएगा। और जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए, तो अभी तक तैयारी नहीं की, तो वो क्या करे, वो एक चीज कर सकते हैं, रिविजन के टाइम के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बस ये सारे टॉपिक एक बार पढ़ लें, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि हाँ किस टाइप से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कॉन्सेप्ट को याद रखें, और क्वेश्चन कम भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप सारा कॉन्सेप्ट को याद रखो और वहां पर आप ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाने वाला है। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, और आपको बस ये सोच के जाना है कि कॉन्सेप्ट मुझे याद रहे और वहां पर मैं अच्छे ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं, ठीक है गाइस। वेन डायग्राम का क्या है, वेन डायग्राम का आना ऑलमोस्ट तय है, ठीक है, पर कभी कभी नहीं भी पूछता है, तो वेन डायग्राम भी यहाँ पर आएगा, ये इसलिए मैंने मेंशन किया बिकॉज इस साल आने वाला है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर भी आप 3 स्टार इजिली लगा सकते हो, ठीक है गाइस। 3 स्टार आप यहाँ से इजिली लगा सकते हो, ये हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन की बात की जाए तो अजम्पशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इसी कैटेगरी में इसको रख सकते हो, जैसे कि मैंने वेन डायग्राम के बारे में बोला, इसी कैटेगरी में आप इसको भी रख सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किया, लास्ट टॉपिक यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बहुत सारे लोग इस टॉपिक को इग्नोर करके चलते हैं, बोलते उतना क्वेश्चन नहीं आता, बट मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि इसे क्वेश्चन आएगा। और आप इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आएंगे गाइस कि आपको बोल दिया गया कि अगर माइनस का सिंबल एज अ प्लस ले रहा हूं मैं, तो यहाँ पर 1+2 क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, क्या यहाँ पर माइनस का सिंबल मैंने ऐसे ले लिया, तो प्लस का सिंबल माइनस होगा, माइनस करके इसका आंसर निकालना। इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस इसके आते हैं, अगर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे पास होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा इसका। और जैसा कि आपको पता है कि रिजनिंग का मैंने बहुत सारा यहाँ पर वीडियो अपलोड किया, कुछ तो अपलोड मैंने किया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलेबस हो गया, तो मैं और सारा क्वेश्चन का मिक्सअप क्वेश्चन आने वाला हूँ आपके लिए, ताकि आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेंड कर सको, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड कर सको और आपका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके, और एग्जाम में आप कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब आप बैठो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं यहाँ पर रीजनिंग में, या कोई भी जैसे रीजनिंग कोई पार्ट मान लो आप नहीं पढ़े हो, तो किस टाइप से उसको हैंडल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन सारे का कॉन्सेप्ट याद रखना है और एग्जाम में
वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करना है। और जो लोग अब तक नहीं पढ़े हो ज्यादा टेंशन ना ले, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस सारे टॉपिक पढ़ के जाते हो तो वहां पर इजीली सॉल्व कर ही लेते हो। ऑलमोस्ट आप 20-25 में से अगर आप 20-15 ही मार्क्स लाते हो, अगर नहीं पढ़े हो अभी तक, अभी से पढ़ना स्टार्ट किए हो तो एक अच्छा मार्क्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर चार सब्जेक्ट है, ठीक है। चार सब्जेक्ट मैंने आपको, जैसे कि आपको पता है, जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जैसे कि आपको पता है, ऊपर दिख नहीं रहा तो मैं नीचे मेंशन करता हूँ, चार सब्जेक्ट है, ठीक है। आपके पास चार सब्जेक्ट है, एक मैथ है, यहाँ पर रीजनिंग है, और जनरल साइंस, और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है। तो बहुत सारे लोग जनरल अवेयरनेस, बहुत सारे लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ते नहीं है और अभी तक नहीं पढ़े हो, तो आपको जनरल अवेयरनेस की आप टच करने की जरूरत है, बिकॉज अभी आप जनरल अवेयरनेस पढ़ जाओगे तो आप बहुत सारी चीज मिस कर जाओगे। आपको क्या करना है, अभी आप जितना ही पढ़े हो, ठीक है, मान लो कुछ टॉपिक को नहीं पढ़े, इतना आप पढ़े हो कि अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हो, आप दूसरे टॉपिक्स के पीछे मत भागो। आप जितना टॉपिक्स पढ़े उसको अच्छे से रिवीजन अगर एक बार कर लेते ना अच्छे से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए एग्जाम में वो सारे टॉपिक्स। आप यहाँ से इतना अच्छे से आप पढ़ो उन सारे टॉपिक्स को जो आप पढ़ चुके हो, ताकि आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप कुछ एक मान लो कि आपका रीजनिंग का पार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसको और स्ट्रांग बना लो, ताकि एग्जाम में आप 25 out of 25 आप गेन कर सको। अगर आपका मैथमेटिक्स का स्ट्रांग होता है वहां पर अपना स्ट्रांग पार्ट बना लो, उसको 30 out of 30 लाने की कोशिश करो उसमें, जिस टाइप से अगर जो भी आपका स्ट्रांग पार्ट है एग्जाम में ट्राई करो तो उसी पार्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि जो स्ट्रांग पार्ट है वो जल्दी बन जाएगा, और स्टार्टिंग जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बहुत सारा मार्क्स गेन कर लोगे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, लास्ट में बहुत सारे टाइम मिल जाते हैं, तो आप उस क्वेश्चन पर भी फोकस कर सकते हो जो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। या पढ़ा नहीं है, आप पढ़ के भूल चुके हो, कभी कभी ऐसा होता है, देखो यहाँ पर जितना भी टॉपिक्स है वहां पर पहले पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट यही हम लोग पहले पढ़ चुके। जनरल साइंस भले ही आप लोग नहीं पढ़े हो, बायोलॉजी नहीं पढ़े हो, बट फिजिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग यहाँ पर ये रीजनिंग का पार्ट्स कभी ना कभी पढ़े होंगे, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपने दिया हो तो ये सब पार्ट्स हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। सिलेबस भी आपने पढ़ा होगा, फिर आपने यहाँ पर मैथ का तो सारे पार्ट्स आपने पढ़ा ही होगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्ट्स जो हम लोग भूल जाते हैं एग्जाम में, वो क्लिक कर जाते हैं और याद आ जाते हैं कि हाँ ऐसे होता है, तो वहां से भी मार्क्स अच्छे खासे गेन हो जाते हैं, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। बस आप थोड़ा सा इस पर रिवीजन एक डालो कि हाँ इस टाइप से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अगर बना चुके हो तो एक बार ट्राई कर लो अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज अब पढ़ने का टाइम नहीं, अब टाइम यहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना, अपने आप को टेस्ट करना कि किस टाइप से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है गाइस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज आपके लिए मैं लाने वाला हूँ यहाँ पर रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर लास्ट 6 to 7 months का भी हम लोग करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेंगे रेगुलरली, जैसे कि 2 practice sheets अभी आ चुका है, तो और भी सारे क्वेश्चन हम लोग ऐड करके उसमें आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रैक्टिस सेट। सो गाइस, आपको वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर्स।